सो अपने रिवीजन क्लास 3 पार्ट 1 में मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन पार्ट है कंपनी एज अकाउंट का वो मैंने करा दिया था, और एक जनरल ओवरव्यू मैंने डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो नॉर्मली सोल प्रोप्रेटरशिप में होता है और कंपनी में क्या होता है वो मैंने आपको ओवरव्यू दिया था। वो आपको हेल्प करेगा अल्टीमेटली सारे जेनेंटीज बनाने में। इसके साथ साथ आपने किए थे कॉल्स इन एरियस, कॉल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियस, कॉल्स इन एडवांस। एंड मैंने आपको बोला था कि आप पढ़ेंगे कंपनीज फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट एज पर शेड्यूल 3, एंड एट द सेम टाइम मैंने कहा था आपको प्रॉफिट एंड लॉस का भी फॉर्मेट पढ़ लेना चाहिए एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 2। यदि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने बातें करें तो शेड्यूल यहाँ पर एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर भी आपको यदि बोलूँ कि फ्यूचर देखते हुए कि इंटरमीडिएट लेवल पर जाकर आपको हर चैप्टर में ही ऑलमोस्ट ये कंपनी का आपको बैलेंस शीट बनाना है, कंपनी का पीएल बनाना है, जनरली बैलेंस शीट, अपने हर चैप्टर में यूज़ करने वाले हैं, तो यहाँ पर भी 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है फ्रॉम दैट शेड्यूल। एंड साथ ही साथ यदि अपने बात करें कि लॉन्ग रन में ये जाकर आगे बहुत काम आने वाला है, तो उस टॉपिक को अपने नेगलेक्ट करके क्यों चले। तो बैलेंस शीट फॉर्मेट है, लर्न करना है। क्लास में से मेरा कराया हुआ, बट ये रिवीजन में मैं उसे दोबारा नहीं करा रहा हूँ। आज ये हम लोग पार्ट 2 कर रहे हैं। पार्ट 2 में अपने बात करें तो पार्ट 2, क्लास 3 पार्ट 2, क्लास नंबर भी लिख दे रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना रहे। आज मैंने कहा था प्रोरेटा एंड फॉरफीचर रीइशू, इसकी बातें करेंगे। तो प्रोरेटा का मतलब अपने क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है? प्रोरेटा का मतलब होता है प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। ये कब पॉसिबल होता है? व्हेन द डिमांड इज मोर एंड द सप्लाई इज लेस। से फॉर एग्जांपल, कंपनी ऑफर्ड किया है, ठीक है ना, इनविटेशन टू ऑफर कंपनी ने दे दिया कि भाई मैं कम इशू करना चाहता हूँ से 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 इच। तो कंपनी 10-20 हज़ार शेयर 10 रुपये वाला इशू करना चाहता है। ये इनविटेशन टू ऑफर है। याद, इनविटेशन टू ऑफर होता है कि थ्रू द अंडर राइटर्स एंड द ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स के थ्रू लोगों को इंसिस्ट किया जाता है कि वो कंपनी में, यानी लोगों को ऑफर डॉक्यूमेंट्स दे के बोला जाता है कि वो कंपनी में अप्लाई करे, एंड फॉर दैट अपने उनको इनविटेशन दिए। इन रिटर्न उन्होंने अपने को ऑफर दे दिया से 30,000 शेयर्स का, 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10। सो सी हियर, द डिमांड इज 30,000 शेयर्स एंड वी रिसीव द एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर्स, बट अपने पास तो सिर्फ 20,000 ही शेयर्स अलॉट करने के लिए। एक तरीका ये है कि 20,000 फुल अलॉटमेंट करो और 10,000 एप्लीकेंट्स को रिजेक्ट कर दो। कंपनी चाहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि जो स्टेक है शेयर्स वो किसी एक के हाथ में या कुछ ग्रुप के हाथ में ना जाए। ये ज़्यादा नंबर ऑफ मेंबर्स बनाना चाहती है। दैट्स वाई कंपनी ऐसे सिचुएशन में एक दूसरा ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकती है, एंड दैट ऑप्शन इज कॉल्ड प्रो रेटा अलॉटमेंट, प्रो रेटा। तो प्रो रेटा में क्या होता है? अपने प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट बोलते हैं। सो प्रो रेटा स्टैंड्स फॉर प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। अपने इसमें कोई बहुत बड़ा टेबल नहीं बनाएंगे कभी भी। प्रोरेटा में बहुत सिंपल सा एक अपने सिंटेक्स याद रखेंगे। पहले मैं डिटेल्स में बता भी दूंगा और उसके बाद मैं फॉर्मूला डेवलप करा दूंगा कि वो फॉर्मूला से आप वर्बली कैलकुलेट कर पाएंगे कि एक्सेस कितना है। यहाँ पर देखो, सिंपल है कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाई हुए 30,000 एंड कंपनी में इशूड ओनली 20,000 शेयर्स। ये रेशियो आप देख लो, 3:2। कंपनी यदि किसी को नाराज नहीं करना चाहती है तो क्या करेगी? आप सबको खुश करना चाहते हो तो क्या तरीका है कि आप कैसे सबको खुश कर सकते हो? तो सिंपल एक तरीका है कि आपको
एप्लीकेशन मिला है जिन्होंने तीन शेयर के लिए अप्लाई किया उन्हें आप दो दे दो, इसको जस्ट इसी रेशियो में, यदि किसी ने छः शेयर के लिए अप्लाई किया है तो उसे चार दे दो, किसी ने नौ शेयर का अप्लाई किया है तो उसे छः शेयर्स दे दो एंड लाइक दिस। तो ये हो गया आपका प्रो रेटा अलाटमेंट का मतलब। यानी कि अब क्वेश्चन ये आपके मन में आएगा कि आपने तो तीन शेयर का पैसा दे रखा है बट आपको दो ही शेयर मिल रहा है, तो आपके मन में क्वेश्चन चलेगा कि एक शेयर का पैसा मेरा क्या होगा। तो कंपनी बोलती है ये दो शेयर के ऊपर यदि मुझे फ्यूचर में कोई इंस्टॉलमेंट लेना है, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट लेना है, तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के साथ मैं ये एक्सेस मनी को एडजस्ट करूंगा, दैट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी। तो एक्सेस कितना मिला वो आपको देखना पड़ेगा कि वो कैसे निकलता है एक्सेस, एक शेयर पे एक्सेस कितना निकला। तो यहाँ पर प्रो रेटा स्टैंड्स फॉर प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, ये आपको पहले क्लियर होना चाहिए। और रेशियो है 3:2, हम लोग कैसे निकालेंगे एक्सेस मनी। अब मैं आपसे पूछूं, कंपनी में मेंबर्स जिन्होंने तीन शेयर्स के लिए अप्लाई किए थे उन्हें कितने शेयर्स दिए गए? दो। इसका मतलब है जो एप्लीकेंट से अपना एक मेंबरशिप रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हुआ दैट इज ओनली विद द टू शेयर्स, उनसे आगे जाते हुए अपने तीन पे पैसा डिमांड करने वाले हैं या अपने उससे दो शेयर के ऊपर पैसा डिमांड करने वाले हैं? तो आंसर है तीन पर नहीं, दो पर ही आगे जाकर सब कुछ अब दो पर होगा, तीन पर नहीं। तीन अगला अप्लाई किया था बट आउट ऑफ थ्री तीन अप्लाई किया था उसे दो ही दिया गया, तो इसका मतलब अब जो भी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट उससे हमें लेना है वो दो शेयर के ऊपर लेना है। अब देखिए ठीक से, अपने जब प्रोरेटा होगा तो उस केस में अपने क्या करेंगे तो देख लेना। यहां पर सबसे पहले आप ऐसे एक वर्किंग करोगे, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन ईच शेयर अलॉटेड ऑन प्रोरेटा। ये सिंटेक्स आप याद रखोगे, कभी टेबल नहीं बनाना होगा, मैं पहले ये एकदम शॉर्टकट बता रहा हूँ, बाद में आपको डिटेल्स भी समझा दूंगा। तो सबसे पहले आप इसमें इस फॉर्मूला है कि डिफरेंस इन रेशियो, मैं पहले सिंटेक्स लिख रहा हूँ, डिफरेंस इन रेशियो मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इन द रेशियो, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इन द रेशियो। ठीक से समझना, ये जो थ्री है ना ये अपना क्या है एप्लीकेशन है, और ये टू क्या है अलॉटमेंट है, ये एप्लीकेशन एंड दिस इज अलॉटमेंट। तो पहला बोला डिफरेंस इन रेशियो, यानी यदि अपने एक और इसमें न्यूमेरिकल डाल रहे हैं यहाँ पर, आप भी वैसे ड्रॉ कर लो, 10 रुपये का शेयर है और अपने इसे तीन इंस्टॉलमेंट में कलेक्ट कर रहे हैं, से 4 रुपीज़ विथ एप्लीकेशन, 5 रुपीज़ विथ अलॉटमेंट, 1 रुपीज़ विथ द कॉल। तो यहाँ पर आपका डिफरेंस इन रेशियो हो जाएगा 3:2, यानी कि 3-2 मल्टीप्लाइड बाई एप्लीकेशन मनी, तो एप्लीकेशन मनी इज 4 divided by number of shares allotted in the ratio, तो number of shares allotted in the ratio is equals to कितना है बोला 2, so 3-2 that is 1 into 4 divided by 2, तो per share excess अपना निकल आया, excess हो गया कितना 2 रुपये। अब हम ये verbally calculate हो गया, आपको ये syntax का महत्व है थोड़ी देर बाद समझ में आएगा, अभी हम लोग इसे डिटेल्स में समझा रहे हैं कि ये 2 रुपया मुझे एक्स्ट्रा कैसे मिला एक शेयर के ऊपर। तो देखो अपने यदि यूनिटरी मेथड करें, टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, तो अपने को तो 30,000 एप्लीकेशन आया, तो 30,000 मल्टीप्लाइड बाई कितना, सो मल्टीप्लाइड बाई 4 रुपये करके इज इक्वल टू 1,20,000 लेस
एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड, आपको एप्लीकेशन मनी चाहिए कितना था, एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड, तो भाई कंपनी को तो सिर्फ 20,000 शेयर ही इशू करने थे, तो 20,000 से ज़्यादा थोड़ी अपने इशू कर सकते हैं, समझ में आ रहा है? तो 20,000 × 4 अपना रिक्वायरमेंट था सिर्फ और सिर्फ 80,000 का, 80,000 अपने माइनस कर दिए तो डिफरेंस हो गया 40,000, ये 40,000 अपना क्या है, तो ये 40,000 अपना है दैट इज एक्सेस रिसीव्ड, एक्सेस रिसीव्ड। इस एक्सेस रिसीव्ड को अब आप देखो क्या करेंगे, ये 40,000 यदि एक्सेस रिसीव्ड है तो अपने इस एक्सेस को अब पर शेयर का निकाल लेंगे कि एक शेयर पे एक्सेस कितना है, सो एक्सेस ऑन ईच शेयर, एक्सेस ऑन ईच शेयर, इस शेयर अलॉटेड करना इज इक्वल टू 40,000 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड दैट इज 20,000 शेयर्स। आप देखो अभी भी कितना आया, ₹2, ठीक है? तो दैट मीन्स कि आप या तो इतना सोचो कि टोटल एक्सेस, टोटल मनी, एप्लीकेशन मनी रिसीव कितना, लेस एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड कितना, देन एक्सेस कितना, पर शेयर कितना, एक ही बात है। और अपने यहाँ पर वो चीज़ क्या की है, डिफरेंस इन रेशियो इनटू एप्लीकेशन मनी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इन द रेशियो, वही चीज़ आएगा, रेशियो का डिफरेंस 3 और 2 का डिफरेंस 1, 3 - 2 इनटू एप्लीकेशन मनी 4 / 2। जो नीचे में किया गया है वही चीज़ यहाँ पे रेशियो में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो वो चीज़ इजी हो जा रहा है और अपने रेशियो को प्रेफर करेंगे, सो दैट वर्बली इट कैन बी कैलकुलेटेड। कोई टेबल नहीं बनाना है, नॉर्मली आप जब आपको कभी सिखाया गया होगा तो आप कभी किए हों यदि तो वहाँ पर आपको मिला होगा कि इसे हम लोग टेबल बनाकर और बहुत बड़ा सा टेबल बनाकर प्रेजेंट करते, अपने को सिर्फ एक शेयर पे एक्सेस कितना मिला दैट मच इज एनफ। अब हम लोग एक इसी के ऊपर एक एग्जांपल कर लेते हैं सो दैट आपको क्लियर रहे, इसी सम्स का हम लोग मान ले रहे हैं कि इसी का जन एंट्रीज करना है अपने को। तो चलो पहला एंट्री क्या चीज़ का होगा, एप्लीकेशन मनी मिलने का, तो पहला एंट्री हो गया बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। आप ये एंट्री करोगे जितना एप्लीकेशन आपको मिले 30,000 × 4, तो ये एंट्री आप करोगे 1,20,000 से, राइट 1,20,000। दूसरा एंट्री आप करोगे क्या चीज के लिए, तो अलॉटमेंट करते समय, तो ये एप्लीकेंट्स जो लाइबिलिटीज है मेरा शेयर एप्लीकेशन को अपने क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको ये बात बताया था कि ये एप्लीकेंट होते हैं, ये एप्लीकेंट होते हैं, तो एप्लीकेंट को आप कैंसिल करेंगे क्योंकि अब उन्हें अलॉटमेंट कर देने का मतलब है कि हम उसे शेयर होल्डर बना रहे हैं, तो शेयर एप्लीकेशन डेबिटेड हो जाएगा कितने से, 120। और अपने शेयर इशू कर रहे हैं, शेयर कैपिटल लाइबिलिटीज बनाएंगे तो 20,000 ही तो शेयर इशू कर रहे हैं और 4 रुपीज़ करके 80,000 शेयर कैपिटल में जाएगा। एंड टू, मुझे एप्लीकेशन के साथ मैं एक्स्ट्रा रुपया रख लिया तो दैट इज गोइंग टू बी एडजस्टेड विद मेरा फ्यूचर का रुपया, यानी कि मेरा अलॉटमेंट के साथ यूज करेंगे। यदि मुझे अलॉटमेंट का रुपया पहले ही मिल गया तो वो मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटीज, तो दैट्स वाई ये रुपया आपका लाइबिलिटीज बनेगा, तो आप यहाँ पे क्या करोगे उसे अपना क्रेडिटर बनाओगे। सो आप अपना क्रेडिटर बनाने के लिए यानी कि शेयर अलॉटमेंट को आप अपना क्रेडिट करोगे, तो शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट हो जाएगा। ये कितने से होगा, कुछ लोग बैलेंसिंग फिगर लिखते हैं, बट आप बिल्कुल ऐसा नहीं करोगे, कोई बैलेंसिंग फिगर, कोई चीज़ कैलकुलेट नहीं करोगे, आप एकदम इसे अप्रोच से, मतलब जैसे मैंने सिखाया, एक शेयर पे 2 रुपये एक्स्ट्रा मिला हुआ है, एक शेयर पे जो एक शेयर हम अपने अलॉट किए उस पे 2 रुपये एक्स्ट्रा मिला हुआ है, तो 20,000 शेयर पे कितना एक्स्ट्रा मिला हुआ है, तो 20,000 × 2, 40,000। आप बोलेंगे सर बैलेंसिंग फिगर भी निकाले तो 40 आ जाएगा ना, देखो ये तो आएगा बट ये अंडरस्टैंडिंग आपका चला जाएगा, इसलिए बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि हमें कैलकुलेट करके लिखना है, नेवर राइट एज अ बैलेंसिंग फिगर, अदरवाइज आगे जाते हुए आपको उतना ही फॉरफीचर और
फॉरफीचर में प्रॉब्लम आएगा, आगे बहुत सारा प्रॉब्लम होगा, इसलिए ऐसा नहीं करेंगे. बैलेंसिंग फिगर यू विल नेवर राइट. नेक्स्ट है अपना एंट्री नंबर थ्री. अब अपने उससे अगला इंस्टॉलमेंट मांगेंगे. मांगते समय कभी नहीं सोचना कि वो पहले से दे के रखा है. डिमांड नोटिस शुड बी गिवन टू एवरीवन. तो यहाँ पर आपका क्या होगा, आप नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जब मांगोगे तो उसे अपना डेटर बनाओगे शेयर होल्डर को. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड. एंड आप जो चीज़ के लिए भी मांग रहे हो उसे डेटर बना रहे हो, तो आपको सामने वाले को बताना होगा कि वाई यू आर डिमांडिंग मनी. तो आप उसे क्रेडिट करोगे, तो आप शेयर कैपिटल के लिए रुपया मांग रहे हो. सो दैट्स वाई टू शेयर कैपिटल. तो शेयर अलॉटमेंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, ये आप करोगे कितने से, तो बोलते हैं ये आपको करना है विथ 20,000 शेयर्स पर. अपने अलॉटमेंट का रुपया कितना है वो देख लेंगे इस पिक्चर में. देखिए अलॉटमेंट पे अपने उससे 5 रुपया करके मांगेंगे, कॉल पे 1 रुपीज डिमांड करेंगे, तो वी विल डिमांड 5. तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 20,000 इंटू 5 इज इक्वल टू रुपीज 1 लाख. तो ये 1 लाख से होगा एंट्री. शेयर कैपिटल में भी 1 लाख डाल दोगे. अब जिससे आप मांग रहे हो वो तो ऑलरेडी 2 रुपया दे के बैठा हुआ है ना, तो वो तो बोलेगा भाई हम तो ऑलरेडी दे रखे हैं, 5 आप मांग रहे हो मेरे से, ठीक है भाई तू दे रखा है मत दे, अब तुम बैलेंस तो दे दो. तो वी हैड डिमांडेड 5 और ऑलरेडी अगला का पेमेंट है 2 रुपया करके एक्स्ट्रा, सो मेरे को 3 रुपया करके एक्स्ट्रा 3 रुपया और देगा मुझे. सो फोर्थ नंबर एंट्री होगा बैलेंस मनी रिसीव करने का. तो बैलेंस हो जाएगा आपका क्या, बैंक अकाउंट डेबिटेड. आप बैंक को डेबिट करोगे विथ हाउ मच, 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 2. 2 मिल चुका है पहले और 5 मुझे मिलना चाहिए, तो 5 माइनस 2 डिफरेंस 3 रुपीज करके मल्टीप्लाई कर दिए, दैट इज 60,000. तो 60,000 से अपने बैंक बैलेंस अपने बढ़ा लिए, और हमने जिसको डेटर बना रखा है उस डेटर को कैंसिल करेंगे. तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को आपने डेटर बनाया हुआ है, तो शेयर अलॉटमेंट को कैंसिल करोगे विद द 60,000. शेयर अलॉटमेंट देखो ठीक से, आप बैलेंसिंग भी देखते रहना, दिमाग में रहना चाहिए. देखो शेयर अलॉटमेंट डेबिटेड 1 लाख, शेयर अलॉटमेंट क्रेडिटेड 60, और 40 तो पहले ही क्रेडिट हो रखा था, तो डेबिट क्रेडिट बैलेंस हो गया ये 1 लाख रुपीज से. नेक्स्ट अपना नंबर 5. यदि 5वें नंबर एंट्री पर अपने बात करें क्या चीज़ के लिए, तो 5th नंबर एंट्री करेंगे फिर से अपने उससे कॉल का रुपया मांगेंगे. तो कॉल का रुपया मांगने का एंट्री नॉर्मल, फिर से हम शेयर होल्डर को डेटर बना लेंगे. तो शेयर कॉल अकाउंट डेबिटेड विथ हाउ मच, 20,000 शेयर्स पे 1 रुपया करके कॉल मांगेंगे. तो अभी टोटल 20,000 हो गया एक्स्ट्रा, किसी का पड़ा नहीं अब अपने पास. तो अभी अपने नोटिस तो दे दिए कि भाई दे दो, क्या चीज़ के रुपया मांग रहे हैं उससे, बोले कि भाई ये रुपया आप जो दे रहे हो आपका कैपिटल बनेगा, तो शेयर कैपिटल डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे. नेक्स्ट, अब कॉल का रुपया हमने नोटिस दे दिया, रिसीव कितना करेंगे, तो बोला कोई भी फेल नहीं किया है नंबर 1, और किसी का एक्स्ट्रा अब अपने पास नहीं पड़ा हुआ, जो एक्स्ट्रा था ना वो अलॉटमेंट के साथ एडजस्टमेंट हो गया, तो अब किसी का भी एक्स्ट्रा नहीं है. तो अब अपने क्या करेंगे, अल्टीमेटली बैलेंस रुपया मतलब जो भी है रिसीव ही करना है, और किसी का फेलियर नहीं हुआ, हम लोग ये अच्छा वाला गुड स्टोरी सोच के आगे बढ़ रहे हैं. तो रिसीव करने का एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिटेड 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 1. यदि फेल करता ना तो आप उसको पता है ना, लास्ट वीडियो में क्या बोला था कि आप क्या करोगे, यदि वो फेल करता है तो उसको गंदा वाला डेटस हम बना देंगे, और गंदा वाला डेटस को अपने किस नाम से बोलते हैं, कॉल्स इन एरियाज के नाम से उसे रिकॉग्नाइज करते हैं. तो यदि गंदा वाला डेटस बनाते तो आप कॉल्स इन एरियाज को डेबिट करते, बट यहाँ पर हम लोग अच्छा स्टोरी सोच रहे हैं, कोई फेल नहीं किया है, इसीलिए बैंक अकाउंट डेबिटेड. एंड जिसको डेटर बनाए हो उसको कैंसिल करो. तो आपने शेयर कॉल को डेटर बनाया है, तो शेयर कॉल को आप क्रेडिट कर दोगे, तो 2 शेयर कॉल विथ 20,000 रुपीज. प्रोरेटा में क्या फर्क पड़ा, बच्चा लोग नॉर्मली डरते हो प्रोरेटा, कभी एक आपके लिए बहुत बड़ा चीज बना हुआ होगा, बट प्रोरेटा आप एकदम ईजी लो. पहला, जितना आपने डिमांड किया उतना मिला नहीं शेयर्स, या कंपनी के पास जितना डिमांड आया कंपनी उतना शेयर्स अलॉट नहीं कर रही, जरूरत नहीं है कंपनी को, और जो एक्सेस रुपया आया कंपनी ने वो रख लिया ताकि वो अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर सके. तो सीधी सी बात है, कितना एक्स्ट्रा आया वो कैलकुलेट करना है, बच्चा वाला चीज़ है. क्या डिफरेंस इन द रेशियो, मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इन द रेशियो,
कोई टेबल नहीं बनाना, ये फॉर्मूला याद रखना, डिफरेंस इन रेशियो मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इन द रेशियो, हो गया प्रोरेटा, इतना ही है प्रोरेटा में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एकदम इजी सा चीज़ है। तो प्रोरेटा आपका यहाँ कंप्लीट, फिर मैंने बोला है आज ही कंप्लीट करेंगे अपने इसमें फॉरफीचर एंड रीइशू। फॉरफीचर मतलब क्या होता है, पहले फॉरफीचर का मतलब आप जानते हैं, फॉरफीचर का मतलब होता है बेटा कि आपसे मांग मांग कर मैं थक चुका हूँ, आप शेयर होल्डर हो और मैं मांग रहा हूँ दे दो भाई, कंपनी डिमांड कर रही है पैसे दो पैसे दो, बट आप फेल करते जा रहे हो फेल करते जा रहे हो, हर टाइम फेल कर रहे हो। तो दैट्स वाई मैं बोलूँगा ना भाई अब आपको मेंबर रहने की ज़रूरत नहीं है, आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, आप बोलोगे मैंने जो आज तक जमा कराया है मैंने जो दिया है वो, तो मैं बोलूँगा भूल जाओ बेटा कुछ नहीं मिलने वाला, क्यों, क्योंकि आप वादा तोड़े हो, और जो वादा फेल करता है उसको कोई हक नहीं बनता है कि वो अपना डिमांड करे अपना रुपया मांगे। सो दैट्स वाई फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब एकदम साफ है, आपका मेंबरशिप गया कंपनी में, जो भी आप दिए हो वो भूल जाओ, अब कंपनी इज नॉट गोइंग टू रिटर्न, कंपनी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू रिटर्न बैक द मनी वट एवर यू हैड पेड टू द कंपनी, और कंपनी उसको फॉरफिट कर लेती है। फॉरफीचर का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ योर मेंबरशिप, तो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब हो गया कैंसिलेशन ऑफ मेंबरशिप, मेंबरशिप को कैंसिल करेंगे, कैंसिलेशन ऑफ मेंबरशिप। और वट एवर अमाउंट यू हैड पेड दैट इज नॉट गोइंग टू बी रिफंडेड। अब फॉरफीचर में हम लोग दो केसेस करेंगे, केस वन वेयर शेयर्स वर ओरिजिनली इशूड एट पार। एक पिक्चर थोड़ा सा बना लीजिएगा अच्छा रहेगा, ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर में दो बंदे, बंदा ए और बी, ये ए है और ये है बी, दोनों ने वादा किया था कि इस बॉक्स के अंदर में 10-10 क्वाइन डालेंगे, कितने क्वाइंस 10 क्वाइंस का प्रॉमिस किया, इंस्टॉलमेंट में डालना है, पहला इंस्टॉलमेंट दूसरा इंस्टॉलमेंट तीसरा इंस्टॉलमेंट। पहला इंस्टॉलमेंट दोनों ने डाला 4-4 क्वाइन का, तो पहला इंस्टॉलमेंट ए ने डाल दिया 4 क्वाइन, बी ने भी अपना 4 क्वाइन डाल दिया, इसे ये बी का क्वाइन है, दूसरा इंस्टॉलमेंट ए से मांगा गया कि भाई 5 क्वाइन डालो, ए ने अपना 5 क्वाइन डाल दिया 1, 2, 3, 4 एंड 5, बी से मांगा गया, बी फेल्ड, फिर ए से मांगा गया कि भाई नेक्स्ट एक कॉइन डालने का आपका बारी है, इसने डाला, इसका फेलियर है, ये फेल है, इसने दोनों इंस्टॉलमेंट फेल कर दिया। यहाँ पर आप बताओ कौन गंदा काम कर रहा है, बी, बी ने, ये देखो इसके अंदर कितने कॉइन डाल रखे हैं 4, अब हम लोग बी को बोल रहे हैं ड्यू टू डिफॉल्ट ड्यू टू नॉन पेमेंट ड्यू टू नॉन पेमेंट आपका मेंबरशिप कैंसिल, Due to non-payment, your membership cancel. Your membership cancelled. बी चिल्लाने लगा, ओ माई गॉड ये क्या हो गया। तो अल्टीमेटली बी के चिल्लाने के बावजूद भी बी का कोई राइट्स नहीं बनता है। ये जो 4 सिक्का आपको दिख रहा है 4 क्वाइंस जो बी ने डाला है वो अल्टीमेटली वो फर्म कंपनी कभी रिटर्न नहीं करेगी। लेकिन अब मैं कंपनी से जोड़ रहा हूँ, इस बॉक्स का नाम शेयर कैपिटल है और शेयर कैपिटल में केवल और केवल मेंबर्स का कंट्रीब्यूशन आता है, बी इज नो लॉन्गर मेंबर, इसीलिए यहाँ से ये आपका क्वाइंस निकाल कर एक अलग बॉक्स में डाल दिया जाएगा, उस बॉक्स का नाम भी चेंज होगा। तो यहाँ से ये 4 क्वाइन निकाल कर, इतना बड़ा बॉक्स की ज़रूरत नहीं है, छोटा बॉक्स में हो जाएगा, यहाँ से निकाल कर अपने इसे यहाँ डाल देंगे 1, 2, 3 एंड 4। इस बॉक्स का नाम था शेयर कैपिटल।
यहाँ ये नहीं रह सकता था इसलिए निकाला गया। छोटे वाले बॉक्स का नाम है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। शेयर फॉर फ्यूचर एक स्पेशल पर्पस अकाउंट है, ये इसलिए खोला जाता है कि अपने जो गेन कर रहे हैं बी का पेड अमाउंट को फॉरफिट करके, उस गेन को अपने कहाँ एडजस्ट करेंगे। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट का कुछ पर्टिकुलर पर्पस है। वो पर्पस है कि हम जब बी के जगह एक नया मेंबर यानी शेयर को रीसेल करूंगा, क्योंकि जब शेयर फॉरफिट होता है तो री इशू नहीं होता, वो रॉन्ग वर्ड है, रीसेल ट्रू फॉल्स में पूछ सकता है, तो उसे रीसेल बोलते हैं, री इशू नहीं बोलते। तो जब बी का मेंबरशिप छीन कर अपने इस शेयर को यानी कि नए मेंबर सी को देंगे, तो उस केस में ये यदि सी कमती लाता है, कम लाता है तो उससे अपने क्या करेंगे, इसी कॉइन से, इसी सिक्के से, इसी अमाउंट से उस लॉस का भरपाई करेंगे। फॉर एग्जांपल सुनो, बी को कितना सिक्का डालना था, 10। अब बी तो नहीं आ रहा, उसके बदले में बी 4 सिक्का देके फेल हो गया, फुस हो गया। अब उसके बदले में कौन आ रहा, सी आ रहा। अब सी जो है ना, मान लो सिर्फ और सिर्फ 8 सिक्का ही ला पा रहा है और बोल रहा मेरे पास इतना ही है, बनाना है मेंबर तो बनाओ। हम मान लो 8 ही लेकर उसको मेंबर बना रहे हैं, लेकिन उसने 2 सिक्का कम लाया, तो वो 2 सिक्का जो नए मेंबर को बनाने में शॉर्टेज हो रहा है वो यहां से लिया जाएगा, इस 4 से। इसके बाद इसमें जो बैलेंस बचेगा वो मेरा फाइनल प्रॉफिट है, एंड दैट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो दैट्स व्हाई आप ध्यान रखेंगे, ये जो आपका बॉक्स है इसका यूज क्या है, 2 है। इससे अपने पहला यूज निकालेंगे, एडजस्ट लॉस, एडजस्ट लॉस ऑन रीसेल, जिसको आप रीइशू बोलते हो। और नेक्स्ट आप इसे एडजस्ट लॉस ऑन रीसेल और बैलेंस लेफ्ट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। यदि कोई बैलेंस बचता है देन दैट बैलेंस इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। बैलेंस को ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में, तो लिखेंगे बैलेंस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो एक ओवरऑल पिक्चर क्लियर हो गया भाई, पुराना मेंबर छोड़ के जा रहा है, उसे उसने जो भी दिया है एज ए कैपिटल वो रिटर्न नहीं करना है। उसने जो दिया है उसके अकाउंट से निकालकर शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्यों डाल देते हैं, क्योंकि शेयर कैपिटल में डिफॉल्टिंग मेंबर का कंट्रीब्यूशन नहीं रह सकता, इसलिए वहाँ से निकाला जाता है। और उसके बाद जो भी अमाउंट हमने उससे फॉरफिट किया वो अमाउंट अपने एक स्पेशल अकाउंट में डाल दिया, दैट इज कॉल्ड शेयर फॉरफीचर अकाउंट। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, जो भी इसे नए मेंबर बनाते समय एडजस्ट लॉस ऑन रीसेल, आप हिंदी में लिख सकते हैं नए मेंबर को बनाते समय जो लॉस होगा वो एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट लॉस ऑन रीसेल मतलब व्हाइल मेकिंग न्यू मेंबर, व्हाइल मेकिंग न्यू मेंबर, नए मेंबर को बनाते समय जो भी गलती होगा, जो भी आप मिस्टेक करोगे उसको एडजस्ट करने के लिए आप इसे यूज करोगे। और बैलेंस बच गया तब जाकर वो कैपिटल प्रॉफिट है, बिकॉज कंपनी का तो ये बिजनेस नहीं है ना कि वो आए दिन फॉरफिट करेगा और रीसेल करता रहेगा, ये वन टाइम लाइफ में होता है कंपनी का, या 2 से 3 बार मैक्सिमम, जनरली यदि 2-3 बार इशू किया तो, अदरवाइज एक ही बार होता है, इसीलिए एक ही बार ये एंट्री करना रहता है। तो ओवरऑल पहले पिक्चर क्लियर होना चाहिए, शेयर फॉर फ्यूचर है क्या, शेयर फॉर फ्यूचर हमने आपको डिटेल्स में समझा दिया। अब हम लोग इसमें 2 केसेस करेंगे, केस 1 where shares originally issued at par, मतलब फेस वैल्यू पर ही आपने शेयर इशू किया था, वैसा सिचुएशन। तो एग्जांपल लेते हैं कि 10 रुपए का शेयर है और हमने उससे 5-4-1 ऐसे मांगा, या ऐसे करो और चेंज करते हैं 3-4-3, ये उसने मुझे दे दिया और ये फेल कर गया।
तो पहला एप्लीकेशन मैंने तो देना ही पड़ेगा, वो तो उसे ऑफर के साथ ही डालना पड़ता है, और अगला इंस्टॉलमेंट अगला फेल कर गया, तो ऐसे हालात में हम उसका मेंबरशिप कैंसिल करेंगे तो क्या एंट्री होगा? तो बोलते हैं शेयर कैपिटल डेबिट होगा। और ये लैंग्वेज बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि आप डेबिट जो करते हो ये लैंग्वेज जरूर ध्यान रखना, इट विल हेल्प यू अ लॉट व्हाइल यू आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, जो कि मैं अगले वीडियो में करूँगा। सो शेयर कैपिटल अकाउंट यहाँ पर डेबिट करना विद द नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड मल्टीप्लाइड बाय कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल मैंने डिमांडेड। तो शेयर होल्डर से अपने कितना डिमांड कर चुके हैं, तीन मांग लिए थे, चार भी मांग चुके थे और तीन भी मांग चुके थे, यानी टोटल उससे हम 10 डिमांड कर चुके हैं। तो मान लो एक शेयर है, 10 रुपए डिमांड किए हैं, तो ये एंट्री 10 रुपए से होगा। अपने याद होगा जब शेयर होल्डर डिफॉल्ट करता है यानी पेमेंट नहीं करता है, तो अपने नॉन पेमेंट को कहाँ ट्रांसफर करते हैं, याद है ना? तो बोलते हैं सर नॉन पेमेंट को वो गंदा वाला डेटर याद होगा जो अपने कॉल्स इन एरियस बोलते हैं, सो टू कॉल्स इन एरियस। अच्छा बच्चे लोग कभी कंफ्यूज मत होना कहीं और कुछ देख लिया तो, लाइक सर हमने तो देखा था यहां पर शेयर अलॉटमेंट लिखा हुआ था, टू शेयर कॉल लिखा हुआ था। डोंट बी कंफ्यूज्ड। एक बात बताओ, यदि हमने अलॉटमेंट मनी ड्यू किया और उसने फेल किया और हमने फेलियर को गंदा वाला डेटा से यानी कॉल सिनेरियस में नहीं डाला है, तो अभी कैंसिल कैसे कर सकते हैं? तब तो हमने उसे किस नाम से बुक्स में दिखा रखा है, मतलब हम तो उसे शेयर अलॉटमेंट के नाम से दिखा रखें, और यदि शेयर अलॉटमेंट के नाम से दिखा रखें तो अपने को कैंसिल किसको करना होगा, शेयर अलॉटमेंट को ही कैंसिल करना पड़ेगा। और यदि आपने कॉल सिनेरियस में डाल दिया है तब कॉल सिनेरियस को कैंसिल करोगे। सो टू कॉल सिनेरियस, टू शेयर अलॉटमेंट या टू शेयर कॉल, ये या तो ये होगा या ये नहीं हुआ तब ये दोनों होगा। आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये दो में से कोई एक ही पॉसिबल है। तो कहीं पर आपने यदि कहीं एंट्री देख लिया तो डोंट बी कंफ्यूज कि हमने तो कॉल सिनेरियस कराया, आप शेयर अलॉटमेंट देख रहे हैं, आपको थोड़ा स्मार्ट होना होगा। यदि क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कॉल सिनेरियस में नहीं डाले हैं फॉर फ्यूचर पे आप किसको कैंसिल करोगे, तो ऑब्वियस है हमने जिस नाम से दिखा रखा उसी को कैंसिल करेंगे। हमने किसको दिखा रखा है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट कर रखा है, तो वी विल कैंसिल होम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को कैंसिल करेंगे, वी विल कैंसिल शेयर कॉल अकाउंट। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। एंड जो अमाउंट हमें मिल जाता है उसे हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं कहां पर, तो उसे हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं शेयर फॉर फ्यूचर स्पेशल अकाउंट में। मैंने बताया शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में अमाउंट रिसीव्ड एज कैपिटल, अमाउंट रिसीव्ड एज कैपिटल ये करेंगे। ये हमारा पहला एंट्री होता है फॉरफीचर हो गया। इसके बाद अपने क्या करते हैं, रीसेल करते हैं, दूसरा एंट्री रीसेल करने का। तो मार्केट में ए का मेंबरशिप छीनने, बी का मेंबरशिप छीनने के बाद सी को मेंबर बनाएंगे, तो जब मेंबर बनाएंगे तो शेयर को बेचेंगे तो कैश या बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। तो ये इसको अपने परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं, पीसी, जितना रुपया बेच के मिलेगा उससे डेबिट करोगे। यदि बेचते समय लॉस हुआ तो वो लॉस अपने को पता है, वो लॉस को हम कहाँ से एडजस्ट करेंगे, मैंने बोला था शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से एडजस्ट करेंगे, तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिटेड लॉस। एंड शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे अपने, शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे विद द पेड अप वैल्यू, एंड अपने क्रेडिट करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम को। यदि अपने जब नया मेंबर बना रहे हैं और उससे ज़्यादा ले रहे हैं, वी आर टेकिंग मोर देन 10, जो उसका नॉमिनल वैल्यू उससे ज़्यादा ले रहे हैं, तो उस केस में ये प्रीमियम वाला पार्ट, एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ गए, यदि अपने इशू कर रहे हैं 10 रुपये का शेयर, मान लो 6 में हो सकता, तो 10 रुपये का चीज़ 6 में बेच दिया तो लॉस कितने का हो गया सर, 4, प्रीमियम कुछ नहीं आया। ये पहला पॉसिबिलिटीज।
अच्छा एक बच्चा बोला 6 से नीचे में बेच सकते हैं क्या? आंसर इज नो. 6 के नीचे बेचने से डायरेक्टर्स लोगों को जेल जाना पड़ेगा, बेचने वाले को कल्प्रिट माना जाएगा. क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, आप 6 रुपया यहाँ पर ऑलरेडी 4 रुपये ही आपके पास है मैक्सिमम एडजस्ट करने के लिए, तो उतना ही आप डिस्काउंट या उतना ही आप लॉस ले सकते हो सेकेंड टाइम. तो दैट्स वाई हमारे पास 4 रुपया ही था जो कि मैं एडजस्ट कर सक, सॉरी 3 ही है अपने एग्जाम्पल में, ये 3. सो ये 3 है और फेलियर है ये 4 और ये 3, 7 रुपये. तो यानी कि मैक्सिमम डिस्काउंट आप 3 दे सकते हो, ये 6 रुपये में तो डायरेक्टर को जेल जाना पड़ जाता. इसका मतलब ये 6 पॉसिबल नहीं है, इसको आप चेंज करेंगे, ये भी चेंज होगा. मैक्सिमम आप मिनिमम री सेल प्राइस इज 7, लॉस आप मैक्सिमम बेयर कर सकते हो 3 का. ये हो गया शेयर कैपिटल मेंटेन. अब 7 के ऊपर आप कुछ भी बेच सकते हो, मान लो 9, तब लॉस कितने का हुआ? बोला 1. शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 10. प्रीमियम कुछ नहीं. ये भी पॉसिबल है कि हम 10 रुपए का शेयर नए मेंबर को 10 रुपए ही देके बना रहे हैं, तो 10 और आपका क्या होगा, लॉस हुआ ही नहीं इसलिए 0. कैपिटल में 10, यहां पे निल. फोर्थ केस, हम 10 के ऊपर भी तो बेच सकते हैं ना नए मेंबर से, तो वाला हाँ बेच सकते हैं. सपोज कर लीजिए अपने बेचे उसको 13 में, अपना लाइबिलिटीज 10 का ही बन रहा है, 13 में बेचे, 3 रुपये एक्स्ट्रा आया, 3 रुपये प्रीमियम, लॉस नहीं हुआ. अब इस एंट्री के बाद नेक्स्ट कहानी आता है कि अपने प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे शेयर को बेचने पे, प्रॉफिट और लॉस. तो प्रॉफिट और लॉस क्या हुआ बेचने के बाद देख लो, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड प्रॉफिट को ट्रांसफर करने के लिए टू कैपिटल रिजर्व, और ये एंट्री अपने करेंगे कितने से? तो बोलते हैं ये सिंटेक्स याद रखेंगे, प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो फॉरफिटेड पर शेयर, अमाउंट फॉरफिटेड या कैपिटल फॉरफिटेड पर शेयर, कैपिटल फॉरफिटेड. अपने एग्जांपल में 3 रुपए करके फॉरफिट किए हैं, तो कैपिटल फॉरफिटेड पर शेयर, ठीक है, माइनस लॉस पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स रीसोल्ड. ये सिंटेक्स याद रखना, काम हो जाएगा अपना. तो अपने 4 केस में सोच लेते हैं, 1, 2, 3 एंड 4. 4 केसेस में, पहला केस में अपने फॉरफिट किए थे 3 रुपया, ध्यान देना यहाँ पर अपने फॉरफिट किए थे एक शेयर के ऊपर कितना 3, और एक शेयर को बेचने में अपना लॉस भी हो गया 3. सो 3 माइनस 3 प्रॉफिट हुआ क्या? तो आंसर है नहीं, ये अपना 0 है, एंट्री नहीं होगा. सेकेंड केस में आप देखो 3 रुपये फॉरफिट किए और 1 रुपये का लॉस हुआ, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? बोला प्रॉफिट है सर 2 रुपये का. थर्ड केस में फॉरफिट किए 3, लॉस हुआ 0, तो कितने का प्रॉफिट हो गया? बोला अल्टीमेटली सर पूरा का पूरा प्रॉफिट ही है, 3 माइनस 0 0. फोर्थ केस में भी 0 है, 3 माइनस 0, तो यहाँ पर भी आपका प्रॉफिट 3 है. आप एक एक लाइन ध्यान रखेंगे तो जब मैं फॉरफीचर का सम्स करूंगा अगले क्लास में आपको बहुत हेल्प मिलेगा. साथ ही साथ अभी अपने बात कर लें कि एक ही चीज़ बचा हुआ है कि यदि केस 2 वेयर शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट ए प्रीमियम, तो फटाफट से वो भी कर लेंगे. वेयर केस 2 वेयर शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट ए प्रीमियम, केवल 1 नंबर एंट्री चेंज होगा. देखो कोई भी बाकी 90% वही रहने वाला. देख लो प्रीमियम क्या चीज होता है, प्रॉफिट होता है. और प्रीमियम कैंसिल कब करना होता है? यदि प्रीमियम मैंने मांगा और नहीं मिला तभी कैंसिल करने की जरूरत है. एग्जाम्पल से देखो ज्यादा बेटर समझ में आएगा. 10 रुपये है, 5 रुपये प्रीमियम है, टोटल अपने को 15 लेना है. ब्रेकअप कैपिटल 10 रुपये कैसे ले रहे हैं? तो 4, 5 और 1. 5 रुपये प्रीमियम कैसे ले रहे हैं? तो 2, 2 और 1. टोटल 6 ले रहे हैं एप्लीकेशन, 7 ले रहे हैं अलॉटमेंट, 2 रुपये ले रहे हैं कॉल. ये मुझे मिल गया, ये मुझे नहीं मिला, और इस बार मैं चेंज कर रहा हूँ, ये मैंने मांगा ही नहीं है अभी तक,
यहीं पर डिसीजन ले लिया सात रुपए के बाद, नॉट येट कॉल्ड, सात रुपए के बाद ही मैंने डिसीजन ले लिया कि भाई मैं आपका मेंबरशिप कैंसिल कर रहा हूँ, मैं और इंतजार नहीं करूँगा, अगला इंस्टॉलमेंट तक का भी इंतजार नहीं करूँगा, सो नॉट येट कॉल्ड। अब हम लोग यदि एंट्री करें यहाँ पर तो शेयर कैपिटल डेबिट होगा, जो सिंटेक्स था विद द कॉल्ड ऑफ कैपिटल। आप कैपिटल यहाँ देख सकते हो, आपका कैपिटल यहाँ पर है कितना, आपका कैपिटल है सर जो मांगा जा चुका है 4 + 5 = 9 rupees, तो विद द कॉल्ड ऑफ कैपिटल यानी 9। प्रीमियम तभी कैंसिल करना है जब मांगे और नहीं मिला, बताओ प्रीमियम कौन सा मांगे और नहीं मिला। सर ये दो तो हमें मिल गया, ये दो तो मुझे मिल चुका है, ये सात रुपया मांगे थे नहीं मिला, मतलब ये वाला दो मुझे नहीं मिला, तो इसका मतलब है सिक्योरिटीज प्रीमियम तभी डेबिट करना है जब मैंने मांगा हो और नहीं मिला, दैट इज वन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। ये दो रुपया आया, मांग भी कर दिया दो, और इसके बाद टू कॉल सीन एरियस, टू कॉल सीन एरियस में कितना जाएगा, तो कॉल सीन एरियस में अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, तो कितना रुपया हमें यहाँ, ये नहीं कि प्रीमियम या कैपिटल, कितना मांगे थे जो नहीं मिला मुझे, तो बोले मैंने तो उसे ये सात रुपया मांगा, मांग के चप्पल घिस गया, थक गया, अल्टीमेटली थकने के बाद मैं ये 7 rupees बोला, भाई अब तुम्हारा कॉल सीन एरियस डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स था तो 7 rupees कॉल सीन एरियस में गया। एंड शेयर फॉरफीचर में क्या अमाउंट जाता है, सो शेयर कैपिटल में, सॉरी शेयर फॉरफीचर में क्या जाता है, मतलब शेयर फॉरफीचर में वो जाता है जो मैंने एज ए कैपिटल रिसीव किया हो। तो आप देख सकते हैं कि इस एग्जांपल में एज ए कैपिटल मैंने कितना रिसीव किया, 4 rupees। तो इसका मतलब आप कोई भी चीज बैलेंसिंग फिगर नहीं ला रहे हो, ठीक है, 4 rupees मैंने एज ए कैपिटल उससे रिसीव किया था एप्लीकेशन के साथ, तो 4 rupees वो फॉरफिट हो गया। कॉल सिनेरियस पे मैंने 7 rupees मांगा था वो नहीं मिला, इसलिए मैंने कॉल सिनेरियस में 7 डाला। और सिक्योरिटीज प्रीमियम 1 rupees नहीं होगा, ये 2 rupees होगा, देख लीजिए 2 rupees मैंने 1 लिख दिया, इसे 2 बनाइए, 2 मेक इट 2 और 9, तो 9 + 2 = 11, 7 + 4 = 11। तो यदि आपका फॉरफीचर होता है वेयर शेयर्स वर इशूड एट ए प्रीमियम, तो आप फॉरफीचर में केवल नया बात आपको ये देखने मिल रहा है, कौन सा, ये वाला, कि तभी हम लोग इसे डेबिट करेंगे जब मैंने प्रीमियम मांगा हो और मुझे प्रीमियम नहीं मिला हो, देन वी विल कैंसिल द सिक्योरिटीज प्रीमियम। होप आपको ये वीडियो रिवीजन करने में मदद कर रहा है। अगले क्लास में हम लोग वी विल कवर द सम्स ऑन फॉरफीचर एंड प्रोरेटा, दोनों मिलाकर सम्स करेंगे अगले पार्ट में, यानी कि पार्ट 3 में, और पार्ट 4 में अपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इशू ऑफ डिवेंचर्स करेंगे। थैंक यू।